जाने माने पलटन बाजार इलाके के लोगों में ये गुस्सा एक हिंदू लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर आरोप है कि पलटन बाजार में एक जूते की दुकान में खरीदारी करने गई हिंदू लड़की के साथ वहां काम करने वाले मुस्लिम युवक ने छेड़छाड़ की। लड़की के हंगामा मचाने पर इलाके के लोग और दुकानदार वहां इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते पूरे मार्केट में विरोध शुरू हो गया। घटना के खिलाफ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और दुकानदार न सिर्फ वहां इकट्ठा हो गए बल्कि बाजार में प्रदर्शन भी किया, विरोध मार्च निकाला और अपनी दुकानें भी बंद कर दी। आरोप है कि देहरादून के सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाली पीड़ित लड़की पलटन बाजार आई थी और रियांश फुटवेयर नाम की दुकान में खरीदारी के लिए गई थी। आरोप है कि पहली मंजिल पर सैंडल दिखाने के बहाने दुकान में काम करने वाले मुस्लिम युवक उमेर ने उसके साथ छेड़छाड़ की। लोगों के मुताबिक लड़की ने आरोपी को धक्का देकर खुद को बचाया। लड़की ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। बाद में उस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। देखिए, ये अभी पलटन बाजार में एक मामला सामने आया था कि जिसमें एक पीड़िता के द्वारा जो है कि जो दुकान के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे तो उनके द्वारा छेड़छाड़ की एक आरोप लगाकर एक तहरीर दी गई थी। उसके तहरीर के आधार पर जो है थाने पर FIR हमारे द्वारा तत्काल पंजीकृत कर ली गई थी और उसमें उनके बयान वगैरह दर्ज कर लिए गए, उसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है और साथ ही साथ जो भी आरोपी है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा कर दी गई। घटना से नाराज व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद की और चाबियां लेकर DM कार्यालय पहुंच गए। पलटन बाजार में विरोध प्रदर्शन और हंगामा देख दूसरे पक्ष के व्यापारी भी नाराज हो गए और लाम बंद होने लगे। पलटन बाजार में छेड़छाड़ के खिलाफ इकट्ठा हुए दुकानदारों के खिलाफ दूसरे पक्ष के लोगों के इकट्ठा होने से वहां टकराव के हालात पैदा होने लगे। मामले की नजाकत को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। तनाव इतना बढ़ा कि व्यापारियों ने बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचकर SP सिटी प्रमोद कुमार ने दोनों पक्षों के व्यापारियों को किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराने की कोशिश की। राजनीतिक दल भी इस मुद्दे को भुनाने में लग गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस घटना को लेकर पलटन बाजार के दोनों समुदायों के व्यापारियों में तनाव बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।